वो राष्ट्रगान वाली जैसे उन्होंने आज मेयर साहब ने बात करी, मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के लिए जो राष्ट्रगान की आज बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रगान के प्रति इतना समर्पित हो चुके हैं, उनको वो दिन याद नहीं है उनके जो पहले जो सीनियर लीडर हुआ करते थे आज़ादी के टाइम पे, उन्होंने देशभक्ति के लिए क्या काम किया। राष्ट्रगान की बात आज क्यों लाई जा रही है, केवल गुजरात चुनाव को या हिमाचल चुनाव को लेके? राष्ट्रगान को गठघरे में खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि राष्ट्रगान एक ऐसा हमारे देश में एक ऐसा राष्ट्रीय भावना से प्रेरित करने वाली एक गान है, जिससे कि समाज में भी इससे अच्छा संदेश जाता है, समाज के साथ साथ देश में रहने वाले लोगों के बीच में भी अच्छा संदेश जाता है। तो मैं तो इसको एक अच्छी बात मानता हूँ, मैं इसमें कोई खराबी नहीं मानता। राष्ट्रगान नहीं गाएंगे वो राष्ट्रद्रोही माने जाएंगे, ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ ना तो लाहौटू जी ने कहा होगा और ना ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन अगर राष्ट्रगान अगर अनिवार्य किया गया है तो अगर कोई ड्रेस कोड होता है या किसी मंदिर मस्जिद की अपनी कोई ड्रेस वो होती है कि भाई कहीं यहाँ पर आने के बाद में आपको इस प्रकार करना चाहिए, तो जब अगर सब जगह हम मानते हैं तो अगर कार्यालय में जाने से पूर्व अगर हम राष्ट्रगीत करते हैं राष्ट्रगान का वाचन करते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई गलती नहीं है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप राष्ट्रगीत गाते हैं राष्ट्रगान गाते हैं सम्मान भी करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक है, संस्कृति धरोहर और शौर्य के प्रतीक है। लेकिन क्या इसको लेकर आप कंपल्शन लगा सकते हैं? क्या आप किसी के बारे में ये कह सकते हैं कि अगर वो ये ऐसा नहीं कर रहा जैसा आप कराना चाहते हैं तो वो देशद्रोह कहलाएगा और उसकी सजा ये होगी कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बात इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं और इस पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस नेता के हरिद्वाल जी, बीजेपी नेता निवेदिता शर्मा जी और मुस्लिम महासभा से शकील अहमद जी। निवेदिता शर्मा जी, 2013 से पहले से ही ना जाने कितने बयान ऐसे आ चुके हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान भेज देंगे। मैम एक नाम आप बता दीजिए जिसे पाकिस्तान भेज दिया गया। ऐसा किसी ने इस भावना से नहीं कहा है, भावना हमेशा यही रही है कि हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तो भावना की अगर बात आती है, मैम सुनिए जरा मैम, अगर भावना की बात आती है तो ये कहां लिखा है कि भावनाओं को आप शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे? अगर कोई तो, दिल में उन भावनाओं को रखता है तो वो आपकी नजर में देशद्रोह कैसे हो जाता है? और फिर तो राष्ट्रगान की भी क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही राष्ट्र की पूजा करते हैं, जरूरत क्या है फिर? मुझे जवाब चाहिए जी, आखिर क्या जरूरत है, पूछिए इनसे ये खुद क्या करते हैं। खुद तो अब ये कह रहे हैं मैम कि राष्ट्रभक्ति के लिए इसकी जरूरत है कि जनता आपको प्रधानमंत्री से पूछे, आपके मुख्यमंत्री से पूछे, अरे क्या तुमने आप लोगों ने सेक्रेटरियट में क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री निवास में क्यों नहीं किया? और आपको मैं इस चैलेंज करता हूँ, जितने नगर निगम में कर्मचारी हैं किसी पे जबरदस्ती के बिना अंकुश लगाए उनसे कहते हैं कि सुबह निवेदिता जी आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ऑफिस में ऐसा नहीं होता, सचिवालय में ऐसा नहीं होता, सारे मतलब पूरे अलग से 6 निगम में ऐसा नहीं होता, विजेंद्र जी नगर पालिकाओं में नगर परिषद में ऐसा नहीं होता तो वो सब मतलब सम्मान नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? विजेंद्र जी इसमें सम्मान का प्रश्न है। आज अगर ऐसा विचार सामने आया है और एक इतना अच्छा शुभ कार्य शुभ दिन शुरू हुआ है तो आखिर इसमें कांग्रेस को एतराज क्या है? ये भी बड़ा सवाल है मैम, देश की एकता अखंडता के लिए पूरा प्रदेश दौड़ा है और आप कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको पाकिस्तान भेजेंगे। आप कहते हैं कि अनिवार्य नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई गाए ना गाए उसकी देशभक्ति पे सवाल कैसे है? इस तरह तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि स्कूलों में भी गाने की क्या जरूरत है, वहां भी बंद करवा दीजिए। कौन मना कर रहा है गाने से देशभक्त? आप ये बताइए ना, गाने से मना कौन कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि वो इसको नहीं गाएगा? सवाल ये है कि जो ऐसा नहीं करेगा क्या उसको पाकिस्तान भेज देंगे? आप जब ये बात करते हैं कि सचिवालय में शुरू हो जाए, यहाँ शुरू हो जाए, वहाँ शुरू हो जाए, हर्ज क्या है उसके अंदर? कोई हर्ज नहीं है ना, अच्छा नहीं है तो आज एक शुरुआत हुई है और इसको धीरे धीरे बढ़ने दें, धीरे धीरे मुझे नहीं लगता कि हरिद्वाल जी का इससे कोई दिक्कत है। मैडम आप हमें कोई एतराज नहीं है, ना तो मुझे लगता है हरिद्वाल जी को इससे कोई दिक्कत है, ना मुझे लगता है शकील अहमद जी को इससे कोई दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर कोई ऐसा नहीं करेगा क्या उसको पाकिस्तान भेज देंगे? देखिए मैं सवाल का जवाब देते देते थक गई हूँ, आप देखिए मैं कितनी बार कह रही हूँ, मंशा पे ठीक है मैं, तो आप मेयर साहब की तरफ से गलती मानिए, कहिए कि उन्होंने जो कहा वो भावावश गलत कह दिया, आप मांगिए माफी।
देखिए इसमें माफी की बात नहीं है, लेकिन है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी मंशा ना तो माफी है मांगेंगे कि हमें अगर माफी नहीं मांग रहे तो मतलब वो गलत नहीं। मैडम वो गलत नहीं तो फिर ये मंशा सही? मैं तो एक बार आपसे कुछ तो इनमें से सही होगा ना मैम। क्या कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगती है क्या? आपके जगह कहना चाहता हूं, जरा बताइए आपके जगह कहना चाहता हूं, फिर जरा बताइए कि फिर पार्टी विद डिफरेंस का मतलब क्या? अगर आप कांग्रेस के साथ कंपेयर करेंगे, कांग्रेस के साथ कंपेयर का मतलब करना प्लीज, जो राष्ट्रगान का असम्मान करे और सेवा दल की मीटिंग में खड़े होने में भी जिसे कष्ट आए उससे हम अपनी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, हमें तो सिर्फ अपने बेसिक सवाल आपसे कर रहा हूं, आपकी नजर में सोचना है और अपने आदर्शों का सम्मान करना है। आपकी नजर में अगर कोई ऐसा ना करे उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए, आपको लगता है बयान सही है? सिर्फ हाया नामे बता दीजिए, मैं मुझे मेरे पास बाकी गेस्ट हैं उनसे भी मुझे सवाल करने हाया नामे बताइए। हाया ना का सवाल ही नहीं है, उनकी मंशा ये है कि आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और इसमें किसी को क्या कष्ट है? शकील अहमद क्यों नहीं होना चाहिए? शकील अहमद जी उनकी मंशा गलत नहीं है, उनके बयान गलत है और ये सिर्फ अच्छा कार्य उन्होंने शुरू किया है उसके लिए आप धन्यवाद नहीं देते हैं। ठीक है, ट्रैवलर सर्विस खोल लीजिए मैम, करना चाहते हैं आप? ठीक है शकील जी, जिस तरीके का जिक्र आपने किया था कि ट्रेवल सर्विस खोल ली जाए कि जो जो आपको लगे कि ऐसा कर रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, फिर ये कर लिया जाए क्योंकि उनको लगता है कि बयान भी गलत नहीं मंशा भी गलत नहीं। देखिए अब इनकी मजबूरी है कि वो इनके महापौर हैं तो ये उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, इसलिए गोलमोल ये इसी बात पर घुमाए जा रहे हैं। लेकिन एक मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो महापौर जी हैं उन्होंने जो बयान दिया पाकिस्तान वाला वो पूरी तरीके से सोच समझ के और पूरी प्लानिंग के साथ दिया है। मैं जानता हूं उनको कहीं ना कहीं से एक विधानसभा चुनाव लड़ना है, अब वो वहां पे पिछली बार उनको टिकट नहीं मिल पाया था तो उस रेस में आगे आने के लिए उन्होंने अपने आप को एक अलग चिन्हित कर लिया। अब बीजेपी के लोगों को उसको डिफेंस करना ही पड़ेगा कि अब एक बीजेपी के जो प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक होता है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं आप, एक प्रथम नागरिक है आप, महापौर होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सरासर गलत और निंदनीय। आपने एक अच्छे काम की शुरुआत की लेकिन उसमें एक घृणित तड़का लगा दिया जिससे कि लोग एक घृणा का माहौल हो। ये बड़ी शर्म की बात है, ये कह रहे हैं कि एक अच्छे काम की शुरुआत की और उसे किसी को कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ आपत्ति उस शब्द से है, उस भाषा से है जो ये कह रही है कि आप पाकिस्तान चले जाइए अगर ऐसा नहीं करते तो। देखिए भाषा तो आप कोई भी बोले लेकिन उसका मंतव्य बहुत स्पष्ट है, आप मंतव्य अच्छा होना चाहिए, इस देश के नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है। मैं रोकना चाहूंगा प्लीज, शकील जी प्लीज समझे, शकील जी प्लीज, हरिद्वाल जी पर यह मान लिया जाए कि उन्होंने जो बयान दिया था उसके साइड में एक स्टार बना हुआ था, अक्सर आप देखते हैं टीवी एड्स में जिसे कहते हैं कंडीशन अप्लाई, नीचे उनका पूरा वो सारांश था कि मेरा मकसद ये नहीं है किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे, मेरा पाकिस्तान भेजने का किसी का मकसद नहीं है, जिसको कोई पढ़ नहीं पा रहा है। देखिए मेरा एक मानना यह है, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहीं, जयपुर नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर कोई राष्ट्र का अपमान करता है तो उसको राष्ट्र में रहने के लिए सोचना पड़ेगा जी, लेकिन उसके लिए उसको गाली गलौज करना, अगर आप कोई करता उस पर कानूनी कार्रवाई करो, आईपीसी की तरह भाई राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, इस टाइप की हल्की बातें करना एक महापौर लेवल के आदमी को, मैं व्यक्तिगत रूप से लाहौटी को जानता हूँ, लाहौटी ठीक आदमी है, अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने गलती करी, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मैंने गलती की, लेकिन चूंकि इतने दिन हो गए मेरे को यहाँ टीवी पे आते हुए, अखबारों में कई दिनों से लाहौटी जी की बुराई छप रही है, अब शायद ये हो जाए कि लाहौटी जी हिंदूवादी हो गए, बहुत बड़े हिंदुओं के बहुत रक्षक हो गए, वो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ मैं नहीं नगर पालिका आऊँगा, नगर पालिका के कर्मचारी 20% 40% रोज जनगणना नहीं करेंगे तो सबको पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान भेजने का क्या एड्रेस है, कौन टिकट देगा, कैसे भेजा जाएगा, ये बहुत हल्की बातें हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, सफाई करके राष्ट्र की सेवा करें, सफाई करा के राष्ट्र की सेवा करें, गंदगी को दूर करें जयपुर की, जिस दिन जयपुर की लाहौटी जी गंदगी दूर कर देंगे, नवीता जी मैं आपके जरिए उनको कह देना जाके कि हरिद्वाल जी मिले थे, वो कह रहे थे कि जिस दिन गंदगी जयपुर की दूर हो जाएगी, जिस दिन नगर निगम में अच्छे काम होने जाएंगे उनको हम सल्यूट कर देंगे, उन्हीं को मान लेंगे कि वही हमारे राष्ट्र के नेता है। लेकिन 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 अगर इस टाइप की बातें करी जाएगी कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा, ये पाना पड़ेगा, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इसका मतलब
भारतीय जनता पार्टी को राज्य के अंदर कोई भी नई स्कीम लागू करनी पड़ेगी, उसके लिए जयपुर के महापौर पहले घोषणा करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री मानेगी, उसके बाद बाकी जिलों के नेता मानेंगे, बाकी पांच जगह के महापौर मानेंगे। पहले घोषणा मुख्यमंत्री से पहले यहाँ के महापौर करेंगे, वो लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। गलत बात है, बिल्कुल बेशर्मी की बात है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पार्टी को, मुख्यमंत्री को इस बारे में कड़ा संदेश देना चाहिए, ऐसे बोलने का हक नहीं है। हिंदुस्तान में जो आदमी रहता है उसको हिंदुस्तान में रहने का हक है, और किसी प्रकार की कोई देशभक्ति की आड़ में किसी आदमी को नुकसान पहुंचे करेगा तो मैं कहता हूं इस मंच के जरिए कांग्रेस उनके साथ है, ऐसे गंदे विचार वाले आदमी को नहीं रखा जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की जो सम्मान नहीं करते उन आदमियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि आप इसका सम्मान ना करें, आपको करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति राष्ट्र के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन क्या वाकई में कोई अगर ऐसा ना करे, या ये कहें कि जो आपके लिए जरूरी होते हुए भी ना हो और जिसको सीआरपीसी आईपीसी के अंदर या लोकतंत्र में भी खुद संविधान में भी जिसको जरूरी ना माना हो, अगर वो करने पर मजबूर किया जाए और अगर आप ना करें तो आपको क्या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? इस बयान के लिए क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या अपने देश के नागरिक अगर कोई गलती करे तो उसको यहीं पर सुधारा नहीं जाना चाहिए? यह सिर्फ सियासत के लिए आप कुछ भी बोल देंगे और फिर उसको डिफेंड भी किया जाएगा? बात आगे भी जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए लेंगे।